बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना जरूरी है। चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक जो है वो इस वक्त जारी, वो आपको बताना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक जो है वो इस वक्त भी चल रही है। 5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू, 7 बज चुके हैं, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कांग्रेस ने जवानों पर हमले को लेकर सरकार की आलोचना की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मरक्षा के रास्ते में कोई प्रोटोकॉल नहीं आता, मतलब वो जवान जो है हथियार उठा सकता था, फायरिंग कर सकता था। बैठक में नहीं बुलाए जाने से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नाराज है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, AIMIM को नहीं बुलाया गया, इसके अलावा आरजेडी को नहीं बुलाया गया। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर ये पैमाना था कि 5 सांसद होने चाहिए तो वो कह रहे हैं हमारे तो 5 सांसद हैं, फिर हमें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। उनके राज्यसभा में 5 है, लोकसभा में तो 0 है। जो पैमाना था कि 5 सांसद, लोकसभा में तो 0 है तेजस्वी यादव के सांसद, राज्यसभा में 5 है। वो कह रहे हैं हमारे तो 5 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी ने बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताई है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया गया। और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बीजेपी को हमारी राय नहीं चाहिए क्या, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। अगर ये ऑल पार्टी मीट है, सर्वदलीय बैठक, तो वो दल नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी कह रही है, आरजेडी कह रही है। हालांकि पैमाना हमने आपको बताया। वैसे कोरोना से संक्रमित एक और बड़ी खबर आपके लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।